अस्सलाम वालेकुम वन क्लास, कैसे हो आप साहब? अच्छा बच्चों, देखें आज हमारा है चैप्टर नंबर 3 है हमारा उर्दू का सबक नंबर 3 है नेक बच्चा। नेक क्या होता है बच्चों, आपको कुछ पता है इसके बारे में? आपको नेक के बारे में पता है? नेक कौन होता है? जो अच्छे काम करता है, जो अच्छे अच्छे बातें करता है, जो अच्छे अच्छे अपने अमल से साबित करता है अपनी अच्छी बातों को, उसको क्या कहते हैं? हाँ जी, उसको नेक कहते हैं। चलें बच्चों, आज हमारा सबक है नेक बच्चा। ये देखें जी, ये आपके पेज नंबर पे है, ये 12 नंबर पेज है आपका, ठीक है। बुक है आप लोगों की कारवाने उर्दू, ठीक है। बुक है कारवाने उर्दू, ये देख लें। और हमने आज सबक पढ़ना है नेक बच्चा। हमारे सबक का नाम है नेक बच्चा। जी नेक बच्चा। देखे जी, शाम का वक्त था, सारे बच्चे गली में खेल रहे थे। मेरे साथ चलें आप भी पढ़ें। शाम का वक्त था सारे बच्चे गली में खेल रहे थे। वो सब बहुत खुश थे। इतने में एक बुढ़िया वहाँ से गुजरी। बुढ़िया आपको पता कौन होती है? बुढ़िया जो बूढ़ा बंदा हो जाता है, जैसे आपके घर में दादो नानो है ना, ऐसे वो बुढ़िया हो जाती हैं, उसको बुढ़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुढ़िया। अच्छा जी, वो बेचारी अंधी थी। अंधी का क्या मतलब होता है आपको पता है? अंधी का क्या मतलब होता है? ब्लाइंड, जिसको आंखों से नजर ना आए, जिसकी आंखों से कुछ उसको नजर ना आए, वो बेचारी क्या थी? यानी उसको आंखों से कुछ नजर नहीं आता था। चलते चलते एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ी। बच्चों ने ये ठोकर का मतलब पता है आपको? जैसे आप लोग कहते हो वो एकदम से, वो मतलब कोई वो किसी चीज़ सामने आई और उस आप अड़के की तो गिर गए, ठीक है ना। वो तो बच्चों ने जो बुढ़िया को गिरते देखा तो खूब हंसे और कहा, ओए ओए। यहाँ पे जैसे आप लोग ग्राउंड में खेल रहे होते हो, कोई बच्चा गिरता है तो आप लोग उसका मजाक उड़ाते हो ना, हंसते हो ना, उसी तरह उन बच्चों ने भी इस बुढ़िया का मजाक उड़ाया था। बुढ़िया गिर पड़ी। तो इसके बाद एक बच्चा ऐसा भी था जिसने बुढ़िया का मजाक ना उड़ाया। वो दौड़कर उसके पास पहुंचा उसके कपड़ों से मट्टी झाड़ी उसे सहारा देकर उठाया और पूछा अम्मा आपको कहाँ जाना है? आइए मैं आपको घर छोड़ आऊँ। उसने बुढ़िया का हाथ थामा और उससे
उसके घर पहुंचा दिया। बुढ़िया ने उस नेक बच्चे को देखे, यही टॉपिक है ना हमारा, नेक बच्चा। तो ये देखे, नेक बच्चे को बहुत सारी दुआएं दी। प्यारे बच्चों, क्या आप जानना चाहेंगे, राइटर अब आप लोगों से ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आप जानना चाहोगे कि वो बच्चा कौन था, के वो बच्चा वो नेक बच्चा यही टॉपिक है ना हमारा, नेक बच्चा कौन था वो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम थे। देखो बच्चों, हमारे नबी सल्लम ने कैसे अपनी ज़िंदगी से हम लोगों को ये सारी चीज़ सिखाई है कि, और भी तो बच्चे थे ना उस जगह पे, वो बुढ़िया गिरी, उन्होंने मजाक उड़ाया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुढ़िया का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उसको क्या किया, उसको उठाया, उसके कपड़े झाड़े और उस बुढ़िया से पूछा कि आपको कहाँ जाना है, चले मैं आपके घर छोड़ के आता हूँ। तो ये हज़रत सल्लम अपनी ज़िंदगी से हमें एक मिसाल दे रहे हैं कि जो गिर जाता है उसके साथ हमें कैसे सलूक करना है, हमें उसके साथ कैसे बिहेव करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो मजाक उड़ा के साइड हो जाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। आप सब आज मेरे से प्रॉमिस करो कि आइंदा आप किसी का मजाक नहीं उड़ाओगे, प्रॉमिस करो सब, प्रॉमिस करते हो आइंदा किसी का मजाक नहीं उड़ाओगे। जब कोई गिरेगा उसको चोट लगेगी या वो गिरेगा वैसे ही, तो आप सब उसको उठाओगे, बताओ मुझे, प्रॉमिस करो मेरे से, पक्का प्रॉमिस। चले अब हम अपने सबक पे वापस आते हैं। देखें जी, नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन है, इसमें बच्चे गली में क्या कर रहे थे, बच्चे गली में क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, आप लोगों ने मुझे आंसर देना है, मैं लिखूंगी। बच्चे गली में क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। मैं लिखने लगी हूँ बच्चे, एक मिनट, चले बच्चे अब ध्यान करें ज़रा, इसकी सरगर्मी है और लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास, सवालों के जवाब लिखिए। अब देखें जी, इसमें बच्चे गली में क्या कर रहे थे, पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को आंसर आता है, बच्चे गली में क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। शाबाश, बच्चे गली में खेल रहे थे, क्या कर रहे थे, बच्चे गली में खेल रहे थे। अगेन रिपीट करें ताकि आपको लर्न हो जाए, बच्चे गली में खेल रहे थे। बुढ़िया क्यों गिर गई थी, बुढ़िया पत्थर से ठोकर खा कर गिर गई थी। चले मेरे साथ बोलें, बुढ़िया पत्थर से ठोकर खाकर गिर गई थी। बुढ़िया पत्थर से ठोकर खाकर गिर गई थी। बुढ़िया पत्थर से ठोकर खाकर गिर गई थी। चले आप टू टाइम आप लोग रिपीट करें ताकि मुझे पता चले आपको आया कि नहीं। मैं क्वेश्चन करूंगी, आप आंसर करोगे, ठीक है। बुढ़िया क्यों गिर गई थी, बुढ़िया पत्थर से ठोकर खाकर गिर गई थी। अगेन, बुढ़िया पत्थर से ठोकर खाकर गिर गई थी। ठीक हो गया, शाबाश। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है, नेक बच्चे ने बुढ़िया से क्या कहा,
नेक बच्चे ने बुढ़िया से क्या कहा? नेक बच्चे ने कहा, आए मैं आपको घर छोड़ आऊं। नेक बच्चे ने क्या कहा? नेक बच्चे ने कहा, आए मैं आपको घर छोड़ आऊं। नेक बच्चे ने कहा, आए मैं आपको घर छोड़ आऊं। नेक बच्चे ने कहा, आए मैं आपको घर छोड़ आऊं। अच्छा जी, बुढ़िया ने बच्चे को क्या दिया? बुढ़िया ने बच्चे को दुआएं दी। क्या दिया? बोले जरा, बुढ़िया ने बच्चे को दुआएं दी। बुढ़िया ने बच्चे को दुआएं दी। वो नेक बच्चा कौन था? अगला क्वेश्चन है ये आप लोगों का, वो नेक बच्चा कौन था? आपने सबक पढ़ा है अभी, क्यों कौन था वो? हाँ जी, वो नेक बच्चा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो नेक बच्चा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु वाली वसल्लम थे। जी, इतना आपको समझ आ गया? चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चे ध्यान करें, देखें अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, दिए हुए अल्फाज में आखिरी हरफ के बाद वाओ और नून गुना लगा कर जमा बनाएं। जैसे घर उन्होंने दिया हुआ वर्ड और इसके आगे प्लस क्या करना है? वाओ और नून गुना। क्या करना है इसमें? ऐड वाओ और नून गुना। तो ये क्या वर्ड बन जाएगा? घरों। क्या वर्ड बन जाएगा? क्या वर्ड बन जाएगा? घरों। ये देखें, मैंने भी बनाए हैं इसी तरह से। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास पूल। क्या वर्ड है? क्या वर्ड है? इसके आगे वाओ और नून गुना लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा? फूलों। क्या वर्ड बन जाएंगे? बन जाएगा, सॉरी, ये जमा बन जाएगा, जमा के सीगे में आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? फूलों। क्या वर्ड हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आवाज निकाल लें, क्या थक गए हैं? क्या वर्ड बनेगा? फूलों। क्या वर्ड होगा? फूलों। नेक्स्ट है मस्जिद। मस्जिद का पता है आपको? मस्जिद क्या है? अल्लाह का घर है। वहाँ पे हम क्या करने जाते हैं? नमाज पढ़ने जाते हैं, ठीक है। और मस्जिद के आगे वाओ और नून गुना लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा? नहीं नहीं नहीं, मस्जिद के आगे वाओ और नून गुना लगाओगे तो क्या होगा? मस्जिदों। क्या वर्ड होगा? मस्जिदों। क्या वर्ड होगा? मस्जिदों। क्या वर्ड होगा? मस्जिदों। उसके बाद आंख। क्या वर्ड है? आंख। एक होती है ना आंख, ठीक है, तो आंखों। क्या वर्ड बन जाएगा? आंखों। आंखों मतलब वो जमा के सीगे में आ गया, ज्यादा के लिए बोला गया। क्या वर्ड बोला? आंखों। क्या बोला? आंखों। क्या बोला? आंखों। उसके बाद है जी कान। क्या वर्ड है? कान। अल्फाज कौन से? कान। क्या अल्फाज है? कान। क्या अल्फाज है? कान। क्या अल्फाज है? कान के आगे वाओ और नून गुना लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? कानों। क्या बनेगा? 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 कानों। जी, नेक्स्ट वर्ड है दुकान। क्या लफ्ज है? दुकान। क्या लफ्ज है? दुकान। दुकान। तो दुकान के आगे वाओ और नून गुना लगाओगे तो क्या बनेगा? दुकानों। क्या बनेगा? दुकानों। क्या बनेगा? दुकानों। क्या बनेगा? दुकानों। अच्छा जी, इसी तरह किताब। लफ्ज है किताब। क्या है? किताब। और इसके आगे वाओ और नून गुना लगाओगे तो ये क्या बनेगा? किताबों। क्या बन जाएगा? किताबों। क्या बनेगा? किताबों। क्या बनेगा? किताबों। क्या बनेगा? किताबों।
क्या बनेगा? क्या बनेगा? इसके बाद नेक्स्ट लफ्ज है लोग, क्या वो लफ्ज है? क्या लफ्ज है? क्या लफ्ज है? क्या लफ्ज है? और जब आप इसको वो करोगे तो उसके आगे नून गुन्ना वाओ और नून गुन्ना लगाओगे तो ये क्या बनेगा? लोगों। क्या वर्ड बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? इसी तरह लफ्ज है बाल, बेली बाल, लामसा किन बाल, क्या वर्ड है? बाल के आगे वाओ नून गुना लगाओगे तो क्या बन जाएगा? बालों। क्या बनेगा? बालों। क्या बनेगा? बालों। क्या बनेगा? बालों। क्या बनेगा लफ्ज? बालों। क्या बनेगा? बालों। क्या बनेगा? बालों। जी नेक्स्ट पेज पे हमारा क्वेश्चन है कवाइद। कवाइद के आगे देखे क्वेश्चन नंबर 3, मुजक्कर को दुरुस्त मुइनस से मिलाएं, यानी आप लोगों ने मैचिंग करनी है। ये आपके मुजक्कर हैं, बूढ़ा, बच्चा, मर्द, उस्ताद, नौकर, घोड़ा, बिल्ला, मुर्गा, नाना, दादा। देखें जी, बच्चा, बच्चे को किससे मिलाओगे? एक मिनट, पहले मैं आपको मोइनस भी बोल देती हूँ, मोइनस क्या है? बिल्ली, उस्तानी, बूढ़ी, बच्ची, घोड़ी, मुर्गी, नानी, दादी, नौकरानी, औरत। जी बच्चों ये ध्यान करिए, आप लोग देखें, अब बूढ़ा, उन्होंने आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है, बूढ़ा। सवेरा आप भी इधर तशरीफ ले आए, शाबाश, कम हियर। हाँ जी देखिए जरा ध्यान करिए, बूढ़ा है और आपको एग्जांपल देने के लिए उसको उन्होंने मैच किया है बूढ़ी से। बूढ़े को किससे मैच किया है? बूढ़ी से। जी नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जी बच्चा, तो बच्चे को आप किससे करोगे? बच्ची। बच्चे को? बच्ची। कहाँ पे है बच्ची? हाँ जी किधर है बच्ची? जी ये है, ठीक है। उसके बाद है जी मर्द, क्या वर्ड है? मर्द। क्या वर्ड है? मर्द। मर्द को किससे करोगे? औरत। औरत से किससे करोगे? औरत। चलो ये कौन करेगा, मर्द को औरत से कौन मिलाएगा? आ जाए जरा इधर, आ जाए सवेरा, आपको चैन नहीं है ना, आ जाए आप ही आए सबसे पहले, ये लें पेंसिल पकड़ें और मैच करें जरा इधर से आके, आ जाए, आ जाए, शाबाश। मर्द को मैच करना है किससे? औरत से। हमें नहीं पता कहाँ पे लिखा हुआ है, ढूंढने। हाँ जी ढूंढने ढूंढने कहाँ पे लिखा हुआ है औरत। वेरी गुड, चलें जी नेक्स्ट है उस्ताद वर्ड, क्या वर्ड है? उस्ताद। चलो उस्ताद को मिलाओ, किससे मिलाना है? उस्तानी। किधर लिखा हुआ है? आप सब क्यों बता रहे हो उसको? चलो मैच करो उस्तानी से, मैच करो। चले उसके बाद नौकर वर्ड है, क्या वर्ड है? नौकर। नौकर को किससे मैच करेंगे? नौकरानी। करें जरा, हाँ जी करें करें, आप कोई नहीं बोलेगा। चले अब अगला वर्ड है घोड़ा, क्या वर्ड है? घोड़ा। चले घोड़े को मैच करें, किससे मैच करना है? घोड़ी। अगला वर्ड है बिल्ला, हाँ जी किधर है बिल्ली? चलो करो मैच। चलो जी अगला वर्ड है मुर्गा, मुर्गा को किससे मैच करोगी? मुर्गी। चलो करो जरा, गुड हो गया। नाना, नाना को किससे मैच करना है? नानी। चलो करो जरा। अच्छा दादा, दादा को किससे मैच करना है? दादी। करें मैच। चले जी ये हमारी मैचिंग हो गई कंप्लीट, ये वाले पेज का काम भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी देखें, ये लिखा हुआ है अपना जायज़ा लीजिए। लेते हैं आप लोग अपना जायज़ा? हाँ जी लेते हैं जायज़ा, अभी मैं लेती हूँ आपका जायज़ा। अभी ये देखें, दिए हुए जुमलों में जी हाँ और जी नहीं के खानों में निशान लगाइए और देखिए आप बड़ों की कितनी खिदमत कर रहे हैं। समझ आइए? अच्छा जी सबसे पहले बड़ों का कहना मानते हैं या नहीं मानते? जी हाँ।
जी हाँ, तो जी हाँ वाले खाने में टिक करो, शऊल आप करो। शऊल आप करें, जी हाँ वाले, शाबाश, वेरी गुड, पहली ही मिस्टेक। इसका मतलब है आप करते कुरते नहीं हो, आप ड्रामे करते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास बड़ों की खिदमत करते हैं, जी हाँ या जी नहीं। जी हाँ। जी नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग तो करते ही नहीं हो खिदमत। जैसे शाऊल ने बेध्यानी में देखे कितना अच्छा काम किया है, उसने अपनी असलियत बता दी है कि वो असल में क्या है। अच्छा जी, उस आप खिदमत करते हैं, कौन कौन खिदमत करता है, ज़रा हैंड रेज करो, करो 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 करो, हैंड रेज करो। चलो जी, अब मुझे, अब इसको कौन टिक करेगा? शाऊल आप तो बिल्कुल टिक ना करना, आप गलत टिक करते हो। चलो जी, उम्मे हानी आप ही टिक कर लें, ये ले खुश हो लें। अच्छा जी, इसके बाद उनके छोटे छोटे काम कर देते हैं। हाँ जी, जी हाँ आएगा कि जी नहीं आएगा? जी हाँ। जी हाँ में टिक करेंगे आप लोग? Yes. चलें जी, मैंने टिक कर दिया, क्योंकि आप लोगों के टिक की गलत हो रहे हैं। अच्छा, बड़ों को सलाम करते हैं? Yes. बड़ों को सलाम करते हैं? Yes. उनके उनकी डांट पर बुरा नहीं मनाते? No. झूठ बोलते हो? झूठ मत बोलो। जब आपको बड़े डांटते हैं तो बुरा मनाते हो ना? Yes. हाँ जी, यस, बिल्कुल ठीक, बुरा मनाते हैं। असूलन तो नहीं मनाना चाहिए वैसे। बच्चों, अब आप ध्यान से मेरी बात सुने, मैंने आपको ये सबक पढ़ा दिया, इसका कंप्लीट कर दिया है। मैं कुछ वर्ड जो हैं वो अंडरलाइन कर रही हूँ, इनकी आपने इमला भी लर्न करनी है, याद करनी है, और साथ साथ आपने इनके जोड़ तोड़ करने हैं। समझ आई है? ये ज़रा ध्यान से चेक कर लें, ये गली, खेल, उसके बाद बुढ़िया, इसके जोड़ तोड़ भी करने हैं और डिक्टेशन भी होगी आपकी। ये सारे वर्ड्स के ना आप लोगों ने जोड़ तोड़ भी करने हैं, ताकि आपको पता हो कि इसमें कौन कौन सा वो यूज़ होता है, हरूफ़ तहजी, और आपको इनकी इमला भी आनी चाहिए। चले बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब आपको मैंने होमवर्क भी दे दिया, और आपने ये करना है, इस तरह से ये हमारा काम कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।